पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप का कांस्य पदक और अब एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रवि की, जिन्होंने यहाँ पर झंडे गाड़ दिए हैं केडी जाधव हॉल में। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। किसको श्रेय देते हैं आप? आपको उम्मीद थी कि जब आपने कंपटीशन देखा तो आपको लगा कि आप यहाँ बहुत सहजता से गोल्ड मेडल जीतेंगे? देखो जी, उम्मीद तो थी, तो मतलब पहले से ही ऐसा लग रहा था मतलब जीत सकता हूँ मैं, क्योंकि सब रेसलरों के साथ पहले ही बाउट हो चुकी है, मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं था सर। ताजिकिस्तान के पहलवान जो हैं, इनके साथ आपकी बाउट कभी हुई? इनके बारे में कुछ पता था आपको? सर, इनके साथ कोई बाउट नहीं हुई और कुछ पता नहीं था सर। आप ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट भी होंगे, हालांकि आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो क्या उसकी तैयारी के लिए आप वहाँ जाएंगे? सर देखो, हम टूर्नामेंट के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि टूर्नामेंट क्वालिफाई नहीं, वही जा सकते, हम नहीं जा सकते, और हम तो सर ये प्रैक्टिस करेंगे। आपको लगता है राष्ट्रीय स्तर पर जितनी तैयारी ओलंपिक के लिए होनी चाहिए वो आपको राष्ट्रीय स्तर पर या छत्रसाल स्टेडियम में पर्याप्त मिल जाती है? सर देखो, बीच बीच में हम विदेश में भी प्रैक्टिस करके आते हैं, अभी जैसे रशिया गए थे, और बीच बीच में 20-20 दिन के लिए जाते रहते हैं, और यहाँ पे भी करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि 57 के रेसलर काफ़ी अच्छे हैं इंडिया में, 57-65, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आप अपना ये जो स्वर्ण पदक है किसको समर्पित करना चाहेंगे? ये तो सर देश को समर्पित करना चाहिए, इतना देश है अपना, सब मिलजुल के लगे हुए हैं सर, ये नहीं है कि मैं अकेला, मेरा अकेले से कुछ नहीं है, पूरा देश ही जुड़ के है। चलिए, ये थे रवि, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो कुछ इन्होंने हासिल किया है, देश की बदौलत किया है, और इसे वो भविष्य में भी बरकरार रखना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। We'll be right back.